फ्रेंड्स, होम डिशेस बाइट्स बाय आर्मा में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ व्रत की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी, व्रत का उपमा, जिसे हम बनाएंगे व्रत के समाके चावल के साथ। खाने में एकदम स्वादिष्ट लगता है और जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। व्रत का उपमा बनाने के लिए यहाँ हमने आधा कप चावल लिए समा के और एक छोटा कप मूंगफली की गिरी लिए, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसमें हमने काजू और बादाम और कुछ किशमिश, करी पत्ता लीव्स हैं, एक छोटी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस किया हुआ। सबसे पहले चावलों को हमें अच्छे से वॉश करके भिगोना है। अब इन चावलों को एक बड़े बाउल में कर लेते हैं, फिर इन्हें अच्छे से वॉश करके भिगो देंगे। हाथों की सहायता से इन्हें अच्छे से वॉश कर देंगे। यहाँ मैंने चावलों को भिगो दिया था और इनका पानी छन्नी में अच्छे से छान दिया था। ये चावल फूल कर इस प्रकार हो गए हैं। यहाँ हमने एक पैन रख दिया है, इसमें हमने 1 से 2 चम्मच देसी घी डाला है, क्योंकि हमें व्रत का उपमा बनाना, इसीलिए हम देसी घी यूज करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम मूंगफली की गिरी, इनको हमें गोल्डन होने तक भूनना है। देखिए गिरी हमारी भुनने वाली है, इनका कलर चेंज हो गया और ये चटकने लगी हैं। अब इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स को भी हमें हल्का सा रोस्ट करना है। ड्राई फ्रूट्स हमारे भुन गए हैं, अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच जीरा। नॉर्मल उपमा तो राई और सरसों में बनाया जाता है, लेकिन ये व्रत का उपमा है तो इसमें हम जीरा इस्तेमाल करेंगे। जीरा हमारा भुन गया है, अब इसमें ऐड करेंगे हम करी पत्ता, अदरक, हरी मिर्च, इन सबको थोड़ा सा चला लेंगे। मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स और अदरक सब हमारे भुन गए हैं अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे भीगे हुए समा के चावल, इनको हमें गुलाबी होने तक भूनना है। जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता, जब तक हमें इसे भूनना है ऐसे ही। इसको हमें कम से कम 8 से 10 मिनट तक भूनना है। देखिए चावल हमारे भुन गए हैं, एकदम ही करारे हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी, पानी जितने हमने चावल लिए उसका डबल हम पानी ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच पेपर और हमने यहाँ किशमिश ली थी, किशमिश भी ऐड कर देंगे, 1/2 नींबू का रस, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ मैं व्रत का नमक यूज कर रही हूँ। अब इसको जब तक बॉईल नहीं आ जाता हमें पकाना है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे।
2 से 3 मिनट हो गए हैं, हम उपमा को खोलकर देख लेते हैं। देखिए उपमा हमारा बनकर तैयार होने वाला है, अभी से हम थोड़ी सी देर और पकाएंगे। इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए और ढककर पकाना है। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अब हम उपमा को देख लेते हैं। देखिए उपमा हमारा बनकर तैयार है, एकदम खिला खिला उपमा बनकर तैयार है व्रत का। अब आप व्रत में भी उपमा बनाकर खा सकते हैं। अब इसमें गार्निशिंग के लिए डालेंगे हरा धनिया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। खिला खिला उपमा बनाने के लिए गैस को हमें जब तक ऑन रखना है जब तक इसका सारा पानी सूख नहीं जाता। देखिए अब हमारा पानी बिल्कुल सूख गया है, खिला खिला उपमा बनकर तैयार है। इसे हम सर्व करेंगे ग्रीन चटनी और नींबू के अचार के साथ। ये नींबू का अचार मैंने घर पर ही बनाया हुआ है व्रत के हिसाब से। तो लीजिए फ्रेंड्स, व्रत का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी उपमा बनकर तैयार है। चावल को अच्छे से भूनना और पानी के सही नाप का ध्यान रखना तो आपका उपमा भी एकदम खिला खिला और टेस्टी बनेगा। आप भी इस नवरात्रि ये रेसिपी ट्राई करें और अपने व्यूज मेरे साथ शेयर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जय माता दी, थैंक यू।